क्रिस्टलाइन सोलिड्स और एन की तो ये एन क्या है इस बात को हम चेक करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें चीजों को तो आपको देखेगा कहीं ना कहीं अगर मैं क्रिस्टलाइन सोलिड्स को अरेंज करूं ये मान लीजिए कहीं ना कहीं एन ए सीएल एन ए सी एल एन ए सी एल को आपने अरेंज किया हुआ एक फिक्स अरेन्जमेंट एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर एक सोलिड का कैरेक्टरिस्टिक है जब एक सोलिड का वो भी क्रिस्टलाइन का कैरेक्टरिस्टिक है तो आप जब इसको फिक्स पैटर्न में लिखते हो तो दो एक्सरे की बीम अलग अलग डायरेक्शन में जब जाएंगी तो आप चेक करें जो सीडी वाली स्ट्रीम जा रही है वो किनको फेस कर रही है उसके पार्टिकल्स कौन कौन है जो उसको सराउंड किए हुए सर्कल डोट सर्कल डोट सर्कल डोट सर्कल डोट सर्कल डोट जबकि अगर मैं ए बी वाली को चेक करूं तो ये आपको दिखेगा ये एक तरफ से सर्कल से सराउंडेड है दूसरी तरफ ये डॉट से सराउंडेड है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि एक ही क्रिस्टल के अंदर एक ही एक्सरे जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सोलिड्स आर एन एसोट्रोपिक इन नेचर दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स शो द डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन अंडरलाइन करिएगा इन द सेम क्रिस्टल एक ही क्रिस्टल में एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन में मेजर किया गया तो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं तो एन फोर नॉट आई मतलब फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन दिस इज इलुस्ट्रेटेड इन फिगर वन इस फिगर वन को देख लीजिए और कभी कभी ऐसा भी होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने बन रहा हो तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर

हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया एक ही क्रिस्टल दो डिफरेंट में एक ही प्रॉपर्टी को मेजर किया तो हमारे पास क्या दिखा डिफरेंट रिजल्ट्स इसी को बोला गया एन आइसोट्रोपी इसी को बोला गया एन आइसोट्रोपी नाउ इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़कर और देखते हैं डीफॉर्मेशन इन सीडी डायरेक्शन डिस्प्लेसेस रो Which has two different type of atoms, while in आप देखिएगा इस पर भी अच्छे खासी क्वेश्चन बन सकते हैं शेप की बात करें डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप है इसका जबकि अमोरफस का इरेग्युलर है देखना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी को तो आप मेरे साथ चलकर इस फोटो को देख सकते हैं इस डायग्राम को देखेंगे तो पहला वाला क्रिस्टलाइन है दूसरे वाला अमोरफस है अमोरफस में कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है रेंडम है और यही बात हमारे डिफरेंसेस में हमें बता रखी है ठीक है जी तो इसको आप याद करें ये या आपके अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि सब्जेक्टिव पेपर में काम आएगा क्योंकि आपने टर्न टू में सब्जेक्टिव पेपर देना है लेकिन

एमपी से जोड़ दो आप का का मतलब हिटोफ्यूजन दे है फिक्स है, है इनका नहीं मिलने वाला एनासोट्रोपी नेचर particle, इन द अरेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इनमें एनाइसोट्रोपी है जबकि इधर में आइसोट्रोपी है ट्रू सोलिड्स है जबकि ये सुपरकूल्ड लिक्विड सोडो सोलिड्स है लॉन्ग रेंज ऑर्डर है जबकि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ठीक है जी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा हर एक बात को बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सोलिड्स देयर आर सम सोलिड्स विच अपेरेंटली अपियर समोर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इसको भी याद रखिएगा दीज आर कॉल्ड द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉली क्रिस्टलाइन पॉली

Which दिखने में अमोरफस है बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दीज आर कोल्ड पोली क्रिस्टलाइन सोलिड्स पोली क्रिस्ट्स मेटल्स इंडिविजुअल क्रिस्टल्स इंडिविजुअल्स आर रेंडमली ओरिएटेड सो अटलिक सैंपल टू बी आइसोट्रोपिक इवन दो अगल क्रिस्टल इज एन आइसोट्रोपिक अमोरफस सोलिड्स आर यूजफुल मटीरियल ग्लास रबर प्लास्टिकेशन इन डेली लाइफ एंड अमोरफसन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटो वोल्टिक मटीरियल देखिए आ गया कि जो आपके पास अमोरफस सिलीकन है उसको कहा यूज किया जा सकता है ये सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है तो अमोरफस सिलिकन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटो वोल्टिक मटीरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इन टू द इलेक्ट्रिसिटी तो इस लेवल का अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है और मुझे इसके चांस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी सोलर एनर्जी पे फोकस कर रही है सारी के सारी गवर्नमेंट और देखिए इलेक्ट्रिसिटी uh, कोस्ट की, uh, की वजह से तो होएगा क्या वो आपसे जनरल पूछेगा कि आपकी छत पे क्या लगा हुआ है एक एक सोलर पैनल लगा हुआ है उस सोलर पैनल का मटेरियल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है तो बताइए उस सोलर पैनल के अंदर आपने कौन सा अमोरफस फॉर्म कौन सा कौन सा सोलिड का टाइप यूज किया हुआ है अमोरफस सिलीकन यूज कर रखा है जो कि फोटो वोल्टिक मटीरियल के लिए यूज हो रहा है तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इंटेक्स क्वेश्चन में व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड तो बहुत सारे रीजन है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसस कम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई है क्लियर ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम भाई वही रीजन है सेम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है इसीलिए एक डेफिनेट शेप भी होएगा डेफिनेट वॉल्यूम भी होएगा अब आपके पास है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अफस और क्रिस्टलाइन सोलिड जैसे पोली यूरिथिन है एक बात बताएं इसमें आप क्या करें इसमें क्या करें एक जो मेटल्स है उनको तो आप अलग निकाल के रख लें मेटल्स को तो आप अलग निकाल के रख लें और जो आयोनिक कंपाउंड है उनको भी अलग निकाल के रख लें और जब आप इन सबको अलग निकाल कर रख लोगे तो वो आपके पास वो आपके पास क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में चला जाएगा तो मैं क्या करता हूं उनको अलग से आपके सामने लिख कर बताता हूं ये थ्री ये बाहर हो गया उसके बाद उसके बाद उसके बाद, उसके बाद कोपर क्रिस्टलाइन में बाहर हो गया उसके बाद उसके बाद आपके पास है कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉलीमर्स को निकाल लेते हैं बाहर अब हम लोग पॉलीमर आपके पास अलग से निकालना हो तो पॉलीमर अलग आपको अलग से निकालना हो जैसे पोली हो गया इसके बाद पॉलीमर आपके पास टेफ्लोन हो गया उसके बाद पॉलीमर आपके पास सेलोफेन हो गया पीवीसी हो गया क्लियर ना तो ये सारे भी कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइन नेचर की तरफ बढ़ेंगे क्लियर है जैसे आपके पास मैंने आपको बताया था कि जो अमोरफस है उनको सूडोसोलिड्स या फिर सुपर सुपरकूल्ड लिक्विड भी आप बोलते हो ठीक है तो एक छोटा सा मैं करेक्शन लगा दूं जितने भी आपके पास पोलिमर्स हैं उनको आप अमोरफस की कैटेगरी में रखोगे हल्का मिस्टेक था उसमें उसमें सुधार ले पोली यूरिथिन हो गया पीवीसी हो गया क्लियर है इसके अलावा सेलोफेन हो गया टेफलोन हो गया ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जा रहे हैं ये सारे के सारे एक कैटेगरी में जा रहे हैं जिसको मैंने आपको बता रखा है अमोरफस अमोरफस ठीक है जी

हाईली यूजफुल हो सकता है ठीक है जी